हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग की दृष्टि से एक ज़िले में, जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है महत्वपूर्ण, वो कौन सा ज़िला है? तो हरदोई ज़िले में 124 शिक्षक को बर्खास्त किए जा चुके हैं, कई और की जा सकती है नौकरी। आखिर क्या मामला है जो 124 शिक्षक यहाँ से अभी तक बर्खास्त हो चुके हैं और अन्य शिक्षकों पर भी ये गाज गिर सकती है? तो पूरा मामला जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हरदोई के मामले की यदि हम बात करें तो शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में लगातार कार्रवाई हो रही है। बीते दिनों 3 टीचर्स को बर्खास्त किया गया है। इनमें अब भरावन विकासखंड दखलौल के मुन्नी रानी, बिलग्राम विकासखंड के सांपखेड़ा की अंकिता वर्मा, सांडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय के धर्मेंद्र कुमार को बर्खास्त किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ज़िले में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब तक हरदोई में 124 शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबित किया जा चुका है, शिक्षक शिक्षिकाएं बर्खास्त हो चुके हैं। कई और टीचर्स की जांच चल रही है, दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा से संबंधित जानकारी दी। और वर्ष 2011 में यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फर्जी टेट अंकों के आधार पर नौकरी हासिल की। जांच में फर्जी पाए गए 32 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। 2014 में 66 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वर्ष 2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान और गणित भर्ती में भी 15 फर्जी शिक्षक मिले। आगरा विश्वविद्यालय में 2004-05 के BED करने वालों की 8 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी फर्जी पाया गया। इसके बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो एक लंबी कार्रवाई है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बर्खास्त होने वाली टीचर्स की संख्या है और इन पर कार्रवाई भी लगातार जारी है और अन्य की भी अभी नौकरी जा सकती है क्योंकि जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा सब पे कार्रवाई होगी।